का शुभ संदेश, गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु गोविंद दाऊ कड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। हे मेरे गुरु जी और भगवान दोनों पास खड़े हैं, पहले मैं किसको नमस्कार करूं, प्रणाम करूं? तो पहले मैं गुरु को प्रणाम करूंगा, क्योंकि ईश्वर के दर्शन किसने कराए? गुरु ने कराए। इसका अर्थ क्या है? गुरु बिना कभी भी ज्ञान नहीं मिलता है। आपका गुरु कोई भी आपका जिस धर्म का पालन करने वाले हो सकता है, आपको पढ़ाने वाला जो टीचर है वो आप गुरु हो सकता है, आपके माता पिता आपके गुरु हो सकते हैं, और आपका बड़ा भाई जो आपको अच्छी शिक्षा देता है वो आपका गुरु, और मेरा जैसे लोगों का तो अपनी खुद की आत्मा अपना गुरु मैं मानता हूं। तो गुरु आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि गुरु की परिभाषा करो कि गुरु का अर्थ होता अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। जो हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार है वो दूर होता है, तभी भगवान मिलते हैं। जब तक अंधकार समाप्त नहीं होगा तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान की प्राप्ति करना हमारा लक्ष्य है, भक्ति जाना हमारा लक्ष्य है। तो हमें इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए एक दीपक जलाना पड़ेगा, जिसको ज्ञान की उपमा दी है। वो घने अंधकार को, उस तिमिर को हर लेता है, दूर कर देता है। तो हमें जो है अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आलंबन लेना होगा, और वही आलंबन हमारा गुरु कहलाता है। तो जीवन में कोई न कोई गुरु को अवश्य की आस स्थापित करें। उस गुरु के आलंबन से जो है हमारा अज्ञान रूपी अंधकार दूर होगा, हमें ईश्वर के दर्शन होंगे, हमें मुक्ति मिलेगी।